इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइल ने एक बार फिर ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से वो अपने विरोधियों के साथ साथ सहयोगियों तक के निशाने पर आ गया है। दरअसल गजा पट्टी के रफा में इजरायली हमले में आम लोगों की मौत के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल की काफी निंदा हो रही है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कम से कम 45 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें आग की चपेट में आए तंबुओं में रहने वाले विस्थापित लोग भी शामिल थे। दरअसल रफा वो जगह है जहां गजा पट्टी के दूसरे इलाकों से भागकर लोग जान बचाकर रहने आए थे। ऐसे में इसराइल के करीबी सहयोगी अमेरिका तक ने रफा में बड़े सैन्य अभियान के खिलाफ इसराइल को चेताया था, मगर इसराइल ने किसी की नहीं सुनी और वो आगे बढ़ गया। इसराइल इस बात पर जोर देता रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है, हालांकि उसे दुनिया की बड़ी अदालतों में जांच का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से एक अदालत ने पिछले दिनों इसराइल से कहा था कि वो रफा में हमले रोक दे। इसराइल ने कहा है कि हमास के ठिकानों पर हमला करने और आतंकवादियों को मार गिराने के बाद वो नागरिकों की मौत की जांच कर रहा है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार रात का हमला युद्ध के सबसे घातक हमलों में से एक दिखता है, जिसके चलते युद्ध में मरने वाले कुल फिलिस्तीनियों की संख्या 36,000 से ज्यादा हो गई है। गजा का स्वास्थ्य मंत्रालय इस आंकड़े को तैयार करने में लड़ाकों और गैर लड़ाकों के बीच अंतर नहीं करता है। अमेरिका ने रफा की घटना को दिल दुखाने वाला बताया है। इसराइल के करीबी सहयोगी फ्रांस ने कहा है कि वो हिंसा से आक्रोशित है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, यह अभियान बंद होने चाहिए। फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए रफा में कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति पूर्ण सम्मान और तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करता हूं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भी इसराइल से ऐसे अभियान बंद करने को कहा है। इस बीच इटली के रक्षा मंत्री ने कहा कि रफा में बमबारी का इसराइल पर दीर्घकालिक असर पड़ेगा। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल को रफा में हमास की आखिरी बची हुई बटालियनों को खत्म करना होगा। नेतन्याहू ने रफा में आम लोगों की मौत की घटना को एक दुखद गलती माना है। उन्होंने इस मामले में जांच की बात भी कही है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि इसराइल की जीत तक युद्ध जारी रहेगा। इस बीच युद्ध विराम और हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की कोशिशों में इसराइल और हमास के बीच एक प्रमुख मध्यस्थ कतर ने कहा है कि हालिया हमले बातचीत को मुश्किल बना सकते हैं। मिस्र और जॉर्डन ने भी रफा पर हमलों की निंदा की है। फिलहाल निगाहें इसी बात पर हैं कि रफा में आम लोगों का भविष्य क्या होगा।